हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में आपको ऐसा फॉल्ट बताने वाला हूँ अल्टीनेटर का, जो कि ज़्यादातर अल्टीनेटरों में हमारे फॉल्ट आते हैं और जिसमें हम बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्टीनेटर जो है चेंज करना पड़ता है। तो इस अल्टीनेटर में ये फॉल्ट था, और ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं कि ये अल्टीनेटर पुराने होने के बाद हमारे एक्सीलेटर पर काम करते हैं, यानी कि हमारा कम से कम 10 पे या 15 पे एक RPM होगा तब जाके ये करंट निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या फॉल्ट होता है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं इसमें इसका सब कुछ सामान ओके, मैंने सीरियस से चेक किया हुआ है। ये मारुति मॉडल अल्टीनेटर है, इसमें स्टार्टर भी ठीक है, इसका कटआउट भी ठीक है, रेक्टिफायर भी ठीक है, और इसके बाद ये कार्बन होल्डर, कार्बन भी सब कुछ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस कम रेस में जो है हमारा अल्टीनेटर काम करेगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी इसमें ये पुल्ली डली हुई थी, देख सकते हैं आप ये पुल्ली। तो ये पुल्ली इसकी, इस पुल्ली में पूरी तरीके से बेल्ट नहीं बैठ रही थी, देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक निशान है, वहाँ तक हमारी जो है बेल्ट बैठ रही थी। मैंने इसमें मारुति की पुल्ली डाली हुई है, पुल्ली ये मारुति की नाम से आती है, दो हिस्सों में पुल्ली डालने के बाद मैंने बीच में दो वाइसर डाल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें देख सकते हैं आप ये बीच में दो वाइसर डाल दिए। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो है फैन बेल्ट पूरी तरीके से बैठ जाएगी। जब हमारी फैन बेल्ट पूरी तरीके से बैठेगी तो अल्टीनेटर जो है हमारा राउंड ज़्यादा बनाएगा, राउंड ज़्यादा बनाएगा तो स्लो रेस में भी हमारा अल्टीनेटर जो है काम करेगा। तो ज़्यादातर अल्टीनेटर में जो फॉल्ट आते हैं वो यही आते हैं कि स्लो रेस में काम नहीं करा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।